आईपीएल 2023 की पहली टीम हुई पक्की, धमाकेदार जीत के दम पर मारी बाजी, अब तीन जगह खाली। इंडियन प्रीमियर लीग के नए सीजन में कौन सी चार टीमें होंगी जो प्लेऑफ में जगह बनाएंगी, इसकी तस्वीर हल्की हल्की साफ होती जा रही है। इस वक्त अंक तालिका पर ध्यान दे तो एक टीम की जगह पक्की लग रही है। 11 मैच खेलने के बाद अब तक सिर्फ तीन मैच गंवाने वाली गुजरात टाइटंस की टीम के पास 16 अंक हैं और वो अब कम से कम अपनी प्लेऑफ की जगह नहीं गंवाने वाली है। इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन में रविवार 7 मई को खेले गए डबल हेडर के पहले मुकाबले के बाद चार में से प्लेऑफ में पहुंचने वाली एक टीम का नाम लगभग साफ हो गया है। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम का मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज के साथ हुआ। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने अपने बड़े भाई की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम को हराया। ओपनर रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल की तूफानी साझेदारी ने गुजरात टाइटंस की टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की नींव तैयार करते दी। साहा ने 43 गेंदों में 81 रन की पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 51 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाकर वापस लौटे। 142 रन की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम ने 2 विकेट पर 227 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। गुजरात टाइटंस से मिले 228 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए क्वेंटन डीकॉक और काइली मायर्स ने धमाकेदार शुरुआत की। दोनों ने 8 ओवर में 10 से ज्यादा की रन गति से 88 रन बना डाले। इसी स्कोर पर पहला विकेट गिरा और फिर टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 177 रन तक ही पहुंच पाई। गुजरात टाइटंस की टीम ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ जीत हासिल करने के साथ ही प्लेऑफ की जगह लगभग पक्की कर ली है। 11 मैच खेलने के बाद इस टीम के खाते में 8 जीत से 16 अंक हैं। 10 टीमों की इस लीग में इतने अंक हासिल करने के बाद टीम का बाहर होना अब नामुमकिन जैसा है। गुजरात टाइटंस की टीम ने अब तक 11 मैच खेलने के बाद सिर्फ 3 टीमों के खिलाफ ही मुकाबला गंवाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स के अलावा 130 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने गुजरात टाइटंस को 125 रन के स्कोर पर रोका था। इसके अलावा बाकी सभी टीमों के खिलाफ गुजरात टाइटंस को जीत ही मिली है।